हेलो गायज, वेलकम टू माय चैनल। और गायज, आज मैं आपको सेविंग सेगमेंट के बारे में कुछ बताऊंगा। ये सिंगल सेविंग सेगमेंट है, और जैसे कि आप जानते हो कि इस पे हम 0 से लेकर 9 तक डिजिट शो कर सकते हैं, और हेक्साडेसिमल में हम आगे 9 से बढ़ सकते हैं, जैसे कि 10, 11, 12। इनको हम ABCDEF तक यहाँ पर वैल्यू शो कर सकते हैं। तो ऐप की जो बाइनरी फॉर्म होती है वो क्या होती है, 1111। तो इसमें मैं आपको 0 से लेके F तक वैल्यू शो करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो ये हमारी 4 इनपुट है, अभी 00 है, और ये नॉट गेट है, और ये नैंड गेट लगे हुए हैं, और ये एंड गेट लगे हुए हैं, और फाइनली ये सेविंग सेगमेंट से कनेक्टेड है। तो इस पे यहाँ पर इनपुट पर मैं 0 से लेकर F तक वैल्यू चेंज करूँगा और वो वैल्यू यहाँ पर शो होगी। तो पहले हमने सेट करी 00, आप देख सकते हो 00 सेट है, तो 00 ये भी 00 शो कर रहा है। अब मैं सेट करता हूँ 1, तो 1 सेट करी तो इस पे 1 शो होने लगा। अब मैं सेट करता हूँ 2 का वैल्यू क्या होता है, 01 बाइनरी, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब मैं करता हूँ 311, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब मैं करता हूँ 4 करने के लिए क्या होगा, 001, तो ये 4 हो गया। 5 के लिए 101, ठीक है। 6 के लिए 0110, तो ये 6 हो गया, 11। 7 के लिए हम 111 कर देते हैं। 8 के लिए क्या करना होता है, इसको सभी को 0 करो, इसको 1 कर दो, 4 बिट को। 9 के लिए क्या करना होता है, इसको 1 कर दो, तो ये 9 हो गया, ये बाइनरी में 9 है, तो यहाँ पर 9 शो करो। अब 10 के लिए क्या करना होता है, 10 के लिए करना होता है ये 0101, तो 10 को शो कर रहा है A, जो 10 की वैल्यू होती है हेक्साडेसिमल में। अब हम 11 शो करते हैं, 11 को B शो करेगा, ये देखो स्मॉल बी ए शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, 12 शो करते हैं, 12 को सी में शो किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, 13 करते हैं, 13 को हम ऐसे डी में शो करते हैं, स्मॉल डी, और 14 को हम ई से शो करते हैं, और 15 को फाइनली हम एफ से शो करते हैं, जो कि हमारी ये 111 ऑल इनपुट 11 है। इससे ज़्यादा हम वैल्यू शो नहीं कर सकते 4 इनपुट पर। तो आपने देखा होगा मैंने कैसे शो किया, कैसे इनपुट यहाँ पर दिया, वही आपकी आउटपुट हमें मिल रही है। तो हम कंट्रोलर से ना बना के, एडिनो से इनपुट ना देके, कमांड ना देके, कुछ सॉफ्टवेयर ना लिख के, हम हार्डवेयर बना के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्किट होगा बनाना, इसमें बहुत नैंड गेट और एंड गेट और नॉट गेट यूज किए हुए हैं, वायरिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इसमें आप देख रहे हो जो ग्रीन लाइन है, वो जो ग्रीन लाइन है वो हमारी 1 बिट पे है, और जो वायलेट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली, ये ग्रीन लाइन है तो ये 1 पे, ये हाई है, और जो ग्रे लाइन है वो 0 पे है। तो आप उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और आपको कुछ सीखने को मिला होगा कैसे हम सेविंग सेगमेंट हार्डवेयर की हेल्प से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको स्विच लगाना पड़ेगा। स्विच कैसे, स्विच दबाया तो वो ग्राउंड हो गया, एक बार दबाया, और या उसको ग्राउंड या VCC पे हम शिफ्ट करेंगे, यानी कि उसको या तो 1 देना है, यहाँ पर 1 देना है, या ग्राउंड देना है। तो हम स्विच ऐसा बनाएंगे कि एक साइड वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा, दूसरी साइड वो 1 से कनेक्टेड रहेगा, और बीच में हम उसका जो पॉइंट है वो मूव कर सकते हैं। ग्राउंड की साइड में करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 1 की साइड में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे हम ये बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को भी, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाली इसी टाइप की वीडियो के लिए। थैंक यू।